मेहनत अगर लगन से की जाए तो अच्छे परिणाम मिलना तय होता है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 30 अप्रैल के करंट अफेयर। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछेंगे जो जिनके आपको जवाब देने हैं। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिएगा, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल से ऐसे वीडियोस के ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस यानी कि इंटरनेशनल डांस डे जो है ये कब मनाता है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस को हम मनाते हैं 29 अप्रैल को हर साल। और देखिए, 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की थीम क्या है, ये आपकी है नृत्य का उद्देश्य यानी कि पर्पज ऑफ डांस। और देखिए, इसका इतिहास थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है ये एक वैश्विक उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान यानी कि इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की जो है नृत्य समिति की ओर से मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है जो नृत्य यानी कि डांस की शिक्षा है और इसके आयोजन में भागीदारी है इसको प्रोत्साहन देना। और जो आपका ये संस्था है इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान, देखिए इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस के पेरिस में, ठीक है। और दूसरा प्रश्न आज का है कि निम्न में से किस राज्य ने श्रेणी वन में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। देखिए, ये प्रश्न आपको मैं बता दे रहा हूँ, पहले हर पेपर में छपा हुआ मिलेगा क्योंकि हर साल इससे संबंधित यानी कि जब भी ये मतलब पुरस्कार वितरित कर दिए जाते हैं तो उसके बाद के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो इस साल 2021 की हम बात करें तो 2021 में जो है श्रेणी वन में पहले स्थान पर ई पंचायती पुरस्कार जीतने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी वन में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। और इसके बाद फिर असम और छत्तीसगढ़ जो है इसने दूसरे स्थान पर जो है ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है, और उड़ीसा और तमिलनाडु जो है ये इस पुरस्कार श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। यानी कि संयुक्त रूप से जो है जो आपका असम और छत्तीसगढ़ ये दूसरे स्थान पर है, और उड़ीसा और तमिलनाडु जो है इसने श्रेणी वन में तीसरे स्थान का जो है ई पंचायत पुरस्कार जीता है। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, देखिए जो भारत का केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है ये हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो कि ग्राम पंचायतों के द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। तो वर्तमान में सबसे अधिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किसने किया अपने पंचायतों पर नियंत्रण करने के लिए, योगी आदित्यनाथ ने जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और तीसरा प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को कितना रहने का अनुमान जताया है। तो देखिए, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को 11% रहने का अनुमान जताया है। और इसके साथ ही जो फाइनेंशियल ईयर 2023 यानी कि 2022-23 का वित्तीय वर्ष होगा इसमें एशियाई विकास बैंक ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% रहेगी। और एशियाई विकास बैंक की बात करें तो देखिए, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असकावा, मुख्यालय इसका है मनीला फिलीपींस में, और ADB की स्थापना 9 दिसंबर 1966 को की गई थी। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया, ये कौन थे। तो देखिए, मनोज दास जो है ये एक राइटर थे यानी कि लेखक थे, और ये जो है जो आपके मनोज दास जी हैं ये जो है एक भारतीय शिक्षाविद, लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक थे, और ये जो है उड़िया और अंग्रेजी में लिखते थे। तो मनोज दास किस भाषा में लिखते थे, उड़िया और अंग्रेजी में। और देखिए, इनकी जो पहली पुस्तक है ये उड़िया में सत्वदीरा अर्थनदा ये जो है तब पब्लिश हुई थी जब ये हाई स्कूल में पढ़ा करते थे यानी कि 10वीं कक्षा में थे तभी इनकी एक कविता जो है पब्लिश हुई थी, इसका नाम था सत्वदीरा अर्थनदा। और आपको बता दूँ, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान देने के लिए इनको 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे मनोज दास, इनका निधन हो गया है हाल ही में। पांचवा प्रश्न है कि जापानी स्पोर्ट वियर ब्रांड एसिक्स ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो देखिए, जो आपकी जापानी स्पोर्ट वियर ब्रांड है एसिक्स ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। देखिए, स्पोर्ट वियर मतलब जूते कपड़े जो भी है खेल से संबंधित है, ठीक है, वो सारी बनाती है एसिक्स। और मेन फोकस एसिक्स का ये है कि जो
जो ये रनिंग श्रेणी के आइटम्स है, ठीक है, स्पोर्ट वियर, तो इनका प्रचार प्रसार कराई किससे, रविंद्र जडेजा से। देखिए जो आपकी जापानी स्पोर्ट वियर ब्रांड है एसिक्स ने ये घोषणा की है कि जो भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं रविंद्र जडेजा, ठीक है, तो इनको ये अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगी। चौथा प्रश्न है कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी, तो देखिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है कृति करंत। देखिए जो आपकी डॉक्टर कृति करंत है ये बेंगलुरु में स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक हैं, और डॉक्टर कृति करंत के नाम से एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड बना है कि ये जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की और एशिया की भी, ठीक है, तो पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला बन गई हैं, और ये पुरस्कार जो है जो आपका है जिसका नाम क्या है, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड। तो देखिए वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड जो है ये वाइल्ड एलिमेंट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है जो कि नव प्रवर्तकों और अधिवक्ताओं और साझेदारों को यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिरता और संरक्षण के लिए समाधान की पहचान करने के लिए एक साथ में लाता है। सातवां प्रश्न है कि DRDO ने तेजस लड़ाकू विमान के से जो है किस एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया, तो देखिए DRDO ने जो है पाइथन 5 नाम के जो है एक एयर टू एयर मिसाइल का परीक्षण अभी हाल ही में किया है, किससे, तेजस लड़ाकू विमान से। और आपको बता दूं ये जो है भारत के स्वदेशी रूप से विकसित जो आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम क्या है, तेजस, ठीक है, तो तेजस के एयर टू एयर हथियारों के पैकेज में पाइथन 5 जुड़ गया है, यानी कि बहुत सारे मिसाइलों का अब तक परीक्षण किया जा चुका है तेजस से, और तेजस की लिस्ट में एक और जुड़ गया है पाइथन 5 नाम का एयर टू एयर मिसाइल जिसका टेस्टिंग अभी हाल ही में किया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य है तेजस पर पहले से ही एकीकृत डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज की बढ़ी हुई क्षमता को मान्य करना। आठवां प्रश्न की चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में 104 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है, तो देखिए चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में जो है भारत को कुल 104 देशों की सूची में 49वें स्थान पर रखा गया है। देखिए जो आपका चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, ठीक है, ये चैंडलर इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस जिसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है इसके द्वारा जारी किया जाता है, और इसकी इंडेक्स में यानी कि जो आपका चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसमें देखिए फिनलैंड पहले स्थान पर है, स्विट्जरलैंड दूसरे, तीसरे स्थान पर सिंगापुर, चौथे स्थान पर नीदरलैंड और पाँचवें स्थान पर इसमें डेनमार्क है, ठीक है, और भारत 49वें स्थान पर है चैंडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। जो आपका ये सूचकांक है ये किस बेसिस पर तैयार किया जाता है, देखिए इस सूचकांक को 7 स्तंभों जैसे कि नेतृत्व और दूरदर्शिता, मजबूत संस्थानों, मजबूत कानूनों और नीतियों, आकर्षक बाजार स्थान, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान, वैश्विक प्रभाव और प्रतिष्ठा में मदद करने के लिए तैयार किया जाता है। नवा प्रश्न की लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी IHS मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 देखिए फाइनेंशियल 2022 का मतलब हो गया वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के जो है कितने रहने का अनुमान जताया है, तो देखिए जो आपका लंदन स्थित वित्तीय सेवा कंपनी है इसका नाम है IHS मार्केट, ठीक है, तो IHS मार्केट ने कहा है कि जो आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 होगा इसमें भारत की GDP ग्रोथ रेट रहेगी 9.6%, ठीक है, और ये संशोधन मौजूदा लॉकडाउन गतिशीलता वक्र जैसे कारकों पर आधारित है जो कि एक विस्तार समयवार और अधिक भारतीय शहरों में भय के साथ युग्मित है, यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि कोरोना महामारी के कारण जो भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान है ये लगातार घट रहा है। और दसवां प्रश्न की निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी चुना गया है, तो देखिए सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त हुई है इनका नाम है वैशाली हिवासे, और वैशाली हिवासे को जो है आपको बता दूं भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही पर जो है नज़र रखने की जिम्मेदारी होगी। देखिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा सीमा क्षेत्र है जैसे कि इंडिया चाइना वाला स्पेशली जो है इंडिया चाइना बॉर्डर हो गया या फिर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, स्पेशली इंडिया चाइना ही है, ठीक है, और बांग्लादेश वगैरह भी है, तो उस पर जो है जो हमारे रोड्स वगैरह हैं उनका नियंत्रण करना, कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ कैसे माल की आवाजाही करने के लिए सुगम बनाना उसको, तो ये सारी चीज़ें देखती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, इसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनके समय में की गई थी 7 मई 1960 को, ठीक है,
तो याद रखिएगा वैशाली हिवासी जो है ये सीमा सड़क संगठन की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी अपॉइंट हुई हैं, यानी कि अब तक किसी भी महिला को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। काफ़ी पढ़ी लिखी हैं इन्होंने, एमटेक भी किया हुआ है। 11वां प्रश्न की, हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने टीवी सोमनाथन को जो है किस पद पर नियुक्त किया है? तो देखिए कार्मिक मंत्रालय ने बिहारी में टीवी सोमनाथन को भारत के वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। सोमनाथन जो ये तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं। सोमनाथन को दिसंबर 2019 में व्यय सचिव भी बनाया गया था। तो पहले ये व्यय सचिव थे लेकिन अब टीवी सोमनाथन बन गए हैं भारत के वित्त सचिव। 12वां है कि निम्न में से कौन आईपीएल में 50 हाफ सेंचुरी लगाने वाले, यानी कि 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो देखिए आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं डेविड वार्नर। देखिए जो आपके डेविड वार्नर हैं ये वर्तमान में सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान भी हैं और इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है, ये 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज तो बने हैं लेकिन इन्होंने इसके साथ में आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले चौथे विदेशी खिलाड़ी और आठवें खिलाड़ी बनने का भी जो है अपना कीर्तिमान बना लिया है। देखिए सबसे अधिक अगर बात करें आईपीएल में, देखिए यहाँ पे विदेशी खिलाड़ियों की बात हो रही है, ठीक है, तो जो आपके डेविड वार्नर हैं ये आईपीएल में 200 छक्के लगाने वाले चौथे विदेशी और नौवें मतलब और आठवें खिलाड़ी बन गए हैं। और देखिए विदेशी खिलाड़ियों की बात करें तो जो पहले विदेशी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 200 छक्के लगाए हैं इनका नाम क्या है, क्रिस गेल। देखिए क्रिस गेल ने 200 से ज़्यादा यानी कि टोटल 354 छक्के लगाए हैं, उसी के साथ ये पहले नंबर पर हैं। तो जो आपके डेविड वार्नर हैं ये जो है चौथे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं और आठवें खिलाड़ी बन गए हैं क्रम से जिन्होंने आईपीएल में 200 छक्के पूरे किए हैं और ये 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि श्रमिक स्मृति दिवस जो है यानी कि वर्कर्स मेमोरियल डे कब मनाया था बताइए, नहीं पता तो कल का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालिएगा। और दूसरा प्रश्न है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क यानी कि कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया था बताइए। और तीसरा कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस देश के 21 रेडी टू यूज ऑक्सीजन प्लांट्स का आयात करने की घोषणा की है बताइए। चौथा कि चीन के पहले मार्स रोवर का क्या नाम है बताइए। इन सभी को मैंने कल के वीडियो में डिटेल में बताया था। पांचवा प्रश्न आपके लिए कि उपन्यास वेयर अबाउट्स किसने लिखा है बताइए। और देखिए अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन का। पहला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली एशियाई महिला कौन बन गई है, तो देखिए ये महिला आपकी है क्लो झाओ। और दूसरा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड किसने जीता, तो देखिए इसको जीता है एंथोनी हॉपकिंस ने। और तीसरा था कि इस फिल्म ने 93वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता, तो देखिए ये फिल्म आपकी है नोमैडलैंड। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य में 25 अप्रैल 2021 को भयानक जंगल की आग लग गई, तो देखिए ये आग मिजोरम में लगी थी। और पांचवा था कि बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 का खिताब किसने जीता है, तो देखिए बार्सिलोना ओपन टेनिस खिताब 2021 को जीता है राफेल नडाल ने। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी सोशल मीडिया के लिंक रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके इनको ज्वाइन भी कर लीजिए। नमस्कार, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।